हाँ, तो ये अब किडनी है, ठीक है। किडनी समझना तीन भाग में डिवाइड है, ठीक है, संरचनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, ठीक है। तो पहला वाला जो किडनी है वो रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, पहला क्या है, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का आधा पार्ट रहता है और मेडुला में आधा पार्ट रहता है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन जो पूरा यूरिन बनाने का काम होता है, फिल्ट्रेशन का जो काम होता है, फिल्टर होके आता है पेल्विस में, किसमें किसमें आता है, रीनल पेल्विस, ठीक है। ये रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, 85% पार्ट, क्लियर है, ठीक है। मेडुला, ठीक है, और पेल्विस, क्लियर है, ठीक है। ये तीनों में जैसे कॉर्टेक्स है, मेडुला है, ये दोनों काम करेंगे, लेकिन पेल्विस में आएगा सिक्रीशन, क्या आएगा, सिक्रीशन, क्लियर है, एकदम क्लियर है। यूरिन कैसे फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद जैसे ही यहां पर पेल्विस रहेगा, पेल्विस यूरेटर को शिफ्ट कर देगा, क्लियर है, हाँ, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप शिफ्ट कर देगा। और यहां पर एक संरचना होती है बोमेन कैप्सूल, क्या होता है, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल एज लाइक फेरिंग्स, ठीक है, जैसे फेरिंग्स होता है ना, ठीक है, कैसा करता है, अपन पहले डाइजेस्टिव सिस्टम फेरिंग्स पढ़े ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब कोई चीज जाना है, पानी को खाना जाना है, तो क्या करेगा, ट्रेकिया को ढक लेगा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेकिया में कुछ चीज जाना है, जैसे हवा जाना है, तो क्या करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को ढक लेगा, क्लियर है। तो ऐसे ही काम करता है बोमेन कैप्सूल, वहां पर कैप्सूल की संरचना होती है जो ढकने और खोलने का काम करती है, ठीक है। ऐसी संरचना से आकर फिर यूरिन डायरेक्ट कहां भरता है, यूरिनरी ब्लैडर, क्लियर। ये किडनी है आपका, ये यूरेटर है, इसी के आगे भाग को पेल्विस बोलते हैं ना, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर है। ब्लैडर जो है, ठीक है, वो अपनी धारिता 400 मिल का रखता है, कितना, 400 मिल, ठीक है, लेकिन 500 मिल तक फैल सकता है। और आपको 350 मिल जैसे ही भरा तो क्या हो जाएगा, यूरिन की इच्छा होनी चालू हो जाएगी, जिसको बोलते हैं डिजायर फॉर मिक्चुरिशन, क्या बोलते हैं, डिजायर फॉर मिक्चुरिशन। ये डिजायर फॉर मिक्चुरिशन, ठीक है, आगे बढ़ता है, लेकिन उसके बाद भी आप अगर नहीं कर रहे हो तो ब्लैडर की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 700 से 800 ml की होती है। वो कितना स्टोर करके रख सकता है, 700 से 800 ml यूरिन भी रख सकता है। इसके बाद हुआ तो ब्लैडर में कुछ ना कुछ हानि होने का खतरा होता है, क्लियर है क्या, इतना क्लियर है, ठीक है। आगे ये यूरेथ्रा पॉइंट से जुड़ा होता है, ये आगे जो है यूरेथ्रा जुड़ा होता है। कल हम पढ़े हैं मेल और फीमेल यूरेथ्रा, ठीक है, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। फीमेल में, ठीक है, दोनों का रास्ता अलग अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, वो सिंगल है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए मेल में, तो मेल में कैसा है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी डिस्चार्ज उसी से जाएगा और यूरिन का भी डिस्चार्ज उसी से जाएगा, क्लियर है। और दोनों का नेचर भी अलग अलग है, देखो सीमेन जो होता है वो बेसिक होता है, ठीक है, लेकिन जो यूरिन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, क्लियर है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए बहुत सारे लिक्विड भी बीच बीच में आते रहते हैं, क्लियर, ठीक है। यहां तक अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, बंद।